मानो या ना मानो, इस साल रिसेंटली में बहुत सारी ओवररेटेड मूवीज रिलीज हुई है जिसका असर थिएटर्स में भी देखने को मिल रहा है। बट डोंट वरी, कुछ ब्लॉकबस्टर पैन इंडिया मूवीज आ रही है जिसमें से कुछ मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन करने का दम रखती है। सो बॉलीवुड से कोई उम्मीद मत रखना, साउथ की मूवीज धमाल मचाने वाली है। कल की 2898 AD हिंदू माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन पे बेस्ड है ये मूवी। कमल हसन एज अ विलन का कैरेक्टर में दिखेंगे, लीड रोल प्रभास और कुछ बॉलीवुड एक्टर्स जाह्नवी कपूर अमिताभ बच्चन भी दिखेंगे। बिग बजट मूवी होने वाली है 600 करोड़ की। कमल हसन की 1996 की फिल्म इंडियन का सीक्वल आ रहा है इंडियन 2। डायरेक्टर सेम ही है एस शंकर। पिक्चर 13 जून को रिलीज हो रही है और एस्टिमेट बजट 250 करोड़ है। स्टारिंग एक्टर अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। 500 करोड़ की हाई बजट मूवी है। नेटफ्लिक्स ने इसका डिजिटल राइट्स 275 करोड़ में खरीदा है। सुकुमार ने फर्स्ट पार्ट में ही इतना हाइप बना दिया था, डेफिनेटली पार्ट 2000 करोड़ प्लस का कलेक्शन करेगी। सुपरस्टार रजनीकांत की एक्शन ड्रामा फिल्म वेतैया जो कि इसी साल अक्टूबर में तुम्हें देखने को मिलेगा। फहद फासिल और अमिताभ बच्चन भी फीचर्ड होंगे। पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर फिल्म ओजी जो कि 27 सितंबर को रिलीज होगी और इमरान हाशमी इस मूवी से अपना साउथ फिल्मों में डेब्यू भी करते हुए दिखेंगे। सूर्या की फैंटेसी एक्शन फिल्म कंगुआ इसी साल आएगी जो कि पूरी तरह ब्लॉकबस्टर होने का दम रखती है। बॉबी देओल इस मूवी से अपना तमिल सिनेमा में डेब्यू करते हुए दिखेंगे। 300 करोड़ की बजट में बनने वाली देवरा पार्ट 1 जिसमें स्टारिंग है जूनियर NTR, सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर। ये मूवी दो पार्ट में लिखा जा चुका है जिसका पहला पार्ट 10 अक्टूबर को रिलीज होगा। रामचरण स्टारर गेम चेंजर इसी साल नवंबर में रिलीज होगी। रोबोट 2.0 के डायरेक्टर एस शंकर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। आखिरी में कांतारा चैप्टर 1 दिसंबर में रिलीजिंग प्लान है। फर्स्ट लुक 2023 में अपलोड किया था। सो लेट्स सी दिसंबर में रिलीज होती है या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।